दोस्तों, आपके साथ आज हम बहुत ही बेहतरीन प्लान शेयर करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसका साइज़ है 27x33। जो आप आसपास बाउंड्री देख रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा एरिया है। सिर्फ जो मकान आपका बना है वो 27x33 फुट में बना है, और ये पार्किंग का जो आसपास आप देख रहे हैं, ये सारा एक्स्ट्रा एरिया है। आप इसे हटा सकते हैं। तो आज का जो मॉडल है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और इसी को आज हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। 27x33 फट में पूरा मॉडल जो मैंने क्रिएट किया है, मैं आपको पहले से बता दूं कि ये जो मकान मैंने क्रिएट किया है, चारों तरफ लगभग 6 फिट का स्पेस छोड़ रखा है, जो कि 27x33 फिट में इंक्लूड नहीं है। और इसीलिए प्रॉपर तरीके से मैं वेंटिलेशन यहाँ पर कर पाया हूँ, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर विंडो वगैरह दे पाया हूँ, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे हवा का आसपास। और उसमें बेहतरीन सा डेकोरेशन ब्लैक और वाइट कलर का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मेन डोर की बात करें तो ये आपका मेन डोर होगा, और ये आपका पहले से एक पोर्च टाइप का मैंने डिज़ाइन किया है, जिसके नीचे आप कार पार्किंग कर पाएंगे। और साथ में ये देखिए, मैंने ईंटों का टेक्सचर दिया है, और यहाँ पर आप बाइक वगैरह अपनी पार्क कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 फ्लोर क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें, तो ग्राउंड फ्लोर पर जो मैंने मकान डिज़ाइन किया है, ये आपका देख पा रहे होंगे, ये प्रॉपर तरीके से ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से मेन एंट्री है, और ये मैंने बीम क्रिएट कर दी है। इसके बाद मेन डोर आपका ये है, जहाँ से एंट्री करेंगे, और साइड में एक आपको विंडो मिलता है। तो मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं, तो आपको एक लॉन में आ जाना है, जिसे आप एज अ गेस्ट रूम बोलें या आप गेस्ट एरिया एज अ इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोफा वगैरह आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये आपका किचन है। यहाँ पर किचन मैंने ओपन क्रिएट कर रखा है, और इसके लिए एक विंडो इधर से फ्रंट से और एक साइड से दिया है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे किचन का। तो ये कॉर्नर वाला आपका किचन है, जो कि ओपन किचन है, और यहीं पर आप डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं, क्योंकि किचन का एरिया काफ़ी बड़ा है। इधर साइड में आपका डाइनिंग एरिया भी बन जाएगा। इसके बाद जैसे आप आगे पहुँचते हैं, तो इस कॉर्नर पर आपको बड़ा सा बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में देखिए 2 विंडो हैं, एक पीछे साइड से, एक साइड में। आपको इस कॉर्नर पर 2 बेडरूम है, जो कि एक बेडरूम है इस पर मिलता है। और इस साइड की बात करें, यहाँ पर जो एक मैंने गैलरी टाइप की दिया, इसे एक मैंने डोर दिया, पीछे भी यहाँ पर जा सकते हैं। और ये आपकी स्टेयर्स है, ये देखिए, आप इस स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर फिर से वापस आएंगे, और ये आपका लेटेंट बाथ का एरिया बन जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर की बात करें, तो यहाँ पर एक बेडरूम ये एरिया और स्टेयर्स की लेटेंट बाथ, एक बड़ा सा किचन, और पीछे जाने के लिए एक डोर, और आगे पोर्च का बेहतरीन सा डिज़ाइन मैंने दिया है कार पार्किंग के साथ। ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, तो स्टेयर्स के माध्यम से आप फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्योंकि पहला वाला स्टेयर जो ग्राउंड फ्लोर पर है, मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, और कुछ भी चेंज नहीं किया। वही पूरा बेडरूम आपका यहाँ कॉर्नर पर था, वो बेडरूम है, वही आपका लेटेंट बाथ है। ये वाला एरिया पूरा कवर्ड कर दिया है, ये आप इसे एक बेडरूम कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला वॉल हटा दें, क्योंकि अब की बार यहाँ से स्टेयर हटा दिया है मैंने। जो नीचे पोर्च था वो आपका बालकनी बन जाता है, और आगे जो किचन था उसे भी हटा दिया है, यहाँ पर बालकनी बन गया है। और अब की बार जो स्टेयर्स है वो आपको मैंने यहाँ पर दिया है, इससे आप ऊपर जा पाएंगे। उसमें ग्रिल भी इस्तेमाल किया है। तो ये जो किचन का एरिया था आगे का, वो हटाकर सब बालकनी बना दिया है, और साइड में वही विंडो लगी है, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपका घर का होता है। और कोई भी चेंज नहीं किया है किसी भी प्रकार का। तो ये देखिएगा, आप प्रॉपर तरीके से मॉडल को देख पाते हैं 27x33 फुट में। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री, और बेहतरीन सा ग्रिल इस्तेमाल कर दिया है, स्टेयर्स को ढक दिया है, और ये पूरा आपका ओपन घर, फुली वेंटिलेटेड घर बनकर रेडी हो जाता है 27x33 फुट में। एरिया आपका चारों तरफ 6-6 फुट जो छूटा है वो एक्स्ट्रा है, आगे का जो पोर्च है वो सिर्फ इंक्लूड है 27x33 फुट में। तो ये मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का आप उसमें डाउट चाहते हैं, आपको लगता है, और मॉडल कैसा लगा आप हमें अपना कमेंट करके सुझाव जरूर दिया करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। और दोस्तों, चैनल पर अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ लाल कलर के बटन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, और घंटे वाले निशान को भी दबा लें, इससे आप हमारे वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।